शुरुआत रायपुर से, जहां साइको किलर के घर में खुदाई से नरकंकाल बरामद हुए। मां बाप की हत्या के बाद घर में शव दबाने का आरोप, इससे पहले अपनी प्रेमिका की थी हत्या। पुलिस का दावा, उद्यन ने नशे और फिजूल खर्ची करने से रोकने पर मां बाप के गुस्से में आकर की थी हत्या। उद्यन पर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या का भी लगा आरोप, भोपाल में अपने घर में कब्र बनाकर लाश छिपाई थी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को दो टूक, कहा जनमत संग्रह का शौक हो तो अपने मुल्क में कराएं रायशुमारी। नवाज शरीफ ने फिर अलापा कश्मीर का राग, कहा कश्मीर है विभाजन का अधूरा एजेंडा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कश्मीरी समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, पाकिस्तान की कारगुजारियों का किया विरोध। शशिकला नटराजन बनेंगी तमिलनाडु की नई सीएम, एआईएडीएमके के विधायक दल की नेता चुनी गई। चेन्नई में एआईएडीएमके के विधायकों की हुई बैठक, शशिकला की बैठक में चुना गया विधायक दल का नेता। विधायक दल की बैठक में सीएम पन्नीर सेल्वम ने शशिकला के नाम का किया प्रस्ताव, सीएम पद से दिया इस्तीफा। एआईएडीएमके की तरफ से किया गया ट्वीट, एआईएडीएमके हमेशा अम्मा और शशिकला के आदर्शों पर चलती रहेगी। सूत्रों के हवाले से खबर, जयललिता के निधन के बाद पार्टी में सत्ता को लेकर बढ़ गया था विवाद। जयललिता की बेहद करीबी रही है शशिकला नटराजन, विवादों से भी रहा है पुराना नाता। शशिकला को एआईएडीएमके के विधायक दल का नेता चुने जाने पर लालू यादव ने दी बधाई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पीएम मोदी की विशाल रैली, पीएम ने कहा यूपी में बीजेपी की आंधी। पीएम ने कहा मैंने करप्शन के खिलाफ स्क्रूटाइज कर दिया, भ्रष्टों में खलबली मच गई है। भाइयों बहनों, इस बार भाजपा की आंधी तेज है कि यहां के मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ लेते हैं। कई इस आंधी में खुद ही कहीं उड़ ना जाए, बह ना जाए, इस चिंता में और लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं। उन्नाव की रैली में अखिलेश का पीएम मोदी पर निशाना, कहा देश को मोदी और अमित शाह से है बचाना। इस स्कैम से देश को बचाना है, और जब अंग्रेजी में बोला हमने कुछ, तो हमने कहा कि दो लोग हैं, एक का नाम ए से, एक का नाम उन दोनों से देश को बचाना है। कौन? एक ए नाम से अमित शाह है और दूसरे हैं मोदी साहब। यूपी के सहारनपुर में राहुल गांधी की रैली, कहा एसपी के साथ हमारा गठबंधन यूपी के भविष्य का है। कानपुर के जेएसी मैदान में राहुल और अखिलेश की साझा रैली, दोनों ने पीएम मोदी पर किया तीखा प्रहार। और हम अपना फोन देखते हैं, उस पर लिखा हुआ है मेक इन चाइना। हमारा प्रधानमंत्री कहता है मेक इन इंडिया, और जहां हम देखते हैं मेक इन चाइना। उत्तराखंड के सितारगंज में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की रैली, केंद्र और राज्य सरकार पर किया गया हमला। बीजेपी, कांग्रेस व अन्य उन सभी विरोधी पार्टियों को इस चुनाव में किसी भी कीमत पर अपना वोट नहीं देना चाहिए। जो ये पार्टियां अंदर अंदर एक होकर आपके आरक्षण को ही निष्प्रभावी बनाने, वैसे पूर्ण रूप से खत्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बाराबंकी में चुनाव जनसभा को किया संबोधित, बीएसपी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने बीएसपी को दिया समर्थन, कहा हम सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के लिए बीएसपी के साथ खड़े। यूपी के हसनपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली, राज्य सरकार पर बोला हमला। गाजियाबाद में स्मृति ईरानी ने की जनसभा, एसपी को बताया गुंडों की सरकार। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अनिल तिवारी ने की सीडी जारी, 5 राज्यों में बीजेपी को वोट देने की अपील की। इलाहाबाद में स्वराज अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत भूषण ने की यूपी चुनाव में बीजेपी को हराने की अपील। गोरखपुर में 7 फरवरी से छठे चरण के लिए होने वाले नामांकन की तैयारी पूरी, 14 फरवरी तक चलेगी नामांकन की प्रक्रिया।
यूपी में प्रचार करेंगे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, कहा मोदी ने देश की हालत की खराब। मैनपुरी में भोगांव विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राहुल राठौर का टिकट कटा, बीजेपी नेता रामलाल उन्हें मनाने पहुंचे घर। भदोही की ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का एसपी से टिकट कटा, निषाद पार्टी का दामन थाम चुके। वाराणसी जिला प्रशासन ने वोटरों को जागरूक करने के लिए शुरू की अनोखी मुहिम, लोगों से 8 मार्च को मतदान करने की अपील की। लक्सर में वोटिंग को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए चलाया गया अभियान, लोगों को दी गई ईपीएम मशीन के प्रयोग की जानकारी। इलाहाबाद में मतदान बढ़ाने के लिए अनोखा प्रयोग, संगम तट पर किया गया पतंग महोत्सव का आयोजन। यूपी में पहले चरण के चुनाव में 302 रईस उम्मीदवार मैदान में, इंडिया की रिपोर्ट में 36% उम्मीदवार करोड़पति। पहले चरण के मतदान में 839 बाहुबली उम्मीदवार मैदान में, एनडीआर की रिपोर्ट में 168 आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार चुनावी मैदान में। उत्तराखंड कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, सूबे में नए जिले बनाने का किया वादा। पीएम हरीश रावत ने बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी का घोषणा पत्र है धुंधला। देहरादून में बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोला हमला, कहा घोषणा पत्र बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट की है कॉपी। हल्द्वानी में जेटली ने कांग्रेस सरकार पर बोला हल्ला, कांग्रेस ने नहीं होने दिया कहा उत्तराखंड का विकास। हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, उत्तराखंड में जीत का भरा दम। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का पिथौरागढ़ दौरा रद्द, खराब मौसम की वजह से दौरा हुआ रद्द। मसूर में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री सारिका प्रधान ने किया जनसंपर्क, सीएम रावत पर धोखा देने का लगाया आरोप। उत्तराखंड के श्रीनगर में बीजेपी की जनसभा पर मौसम की पड़ी मार, बारिश के कारण नहीं जुटी भीड़। पिथौरागढ़ में राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग के अधिकारियों की बैठक, चुनाव गाइडलाइन की दी जानकारी। हरिद्वार में बीजेपी नेता बीसी खंडूरी ने 2 जनसभाओं को किया संबोधित, रावत सरकार पर बोला हमला। पौड़ी में प्रत्याशी गांव-गांव जाकर कर रहे हैं प्रचार, लोगों से वोट देने की कर रहे हैं अपील। हमीरपुर में आर्म फोर्स की गाड़ी हुई हादसे का शिकार, 6 जवान जख्मी, चुनाव ड्यूटी के लिए मुजफ्फरनगर जा रहे थे जवान। मुजफ्फरनगर के काकरोली इलाके में बीजेपी प्रत्याशी की प्रचार गाड़ी ने एक बच्ची को मारी टक्कर, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बागपत में आरएलजी की रैली में शराब बरामद, जांच में जुटी पुलिस। उडुपी में माधवाचार्य शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए पीएम मोदी, कहा संतों ने समाज को बदलने की कोशिश की। पटना में पुस्तक मेले में कमल के फूल में नीतीश कुमार के रंग भरने से सियासत गर्माई, बीजेपी के करीब होने की चर्चा तेज। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कई घरों में जलता है लालटेन, वो सभी आरजेडी के सपोर्टर्स नहीं। गिरिराज सिंह का बयान, नीतीश अक्सर लालू को अपनी ताकत का एहसास कर बताते हैं स्वतंत्र। जेडीयू नेता पवन वर्मा ने कहा नीतीश के इस कदम का राजनीतिक मतलब निकालने वालों पर सिर्फ हंसा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फिर उठाया 3 तलाक का मुद्दा, ट्रिपल तलाक से महिलाओं का होता है शोषण, बोले रविशंकर। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस पर सेमिनार का आयोजन, राजनीति में वंचितों को ज्यादा मौका देने की पैरवी। सीएम केजरीवाल 7 फरवरी को इलाज के लिए जाएंगे बेंगलुरु, केजरीवाल का शुगर लेवल है हाई। नोएडा से 37 अरब की ठगी मामले में एसटीएफ को विदेशों से मिली शिकायत, एसटीएफ के मेल पर पहुंची थी 250 शिकायतें। अभिनव मित्तल के समर्थकों ने किया जंतर मंतर पर प्रदर्शन, प्रशासन पर लगाया अभिनव मित्तल को फंसाने का आरोप। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक नेता पर महिला को आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप, महिला ने थाने में दर्ज कराया केस। मऊ में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद जान से मारने की कोशिश, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। रामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, शहजादपुर इलाके में हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। यूपी के जालौन में एक शख्स ने की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोंडा के शास्त्री नगर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, आपसी विवाद में दोस्त पर ही है हत्या का आरोप।
मथुरा के कृष्णनगर इलाके में नर्सिंग होम के सामने मिली अधेड़ की लाश, पुलिस कर रही है पड़ताल। गोंडा के पंतनगर में एक छात्र का शव घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला, लैब टेक्नीशियन की ले रहा था ट्रेनिंग। महोबा में दो किसानों की मौत से हड़कंप, घर वालों का आरोप, बैंक से लोन की रिकवरी के लिए मिला था नोटिस। गोरखपुर में अष्टधातु से बनी बुद्ध की मूर्ति के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। 5 करोड़ रुपए की कीमत का अनुमान है इस अष्टधातु की मूर्ति के। कर्नाटक के गड़ग में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हुई है, नाराज लोगों ने लक्ष्मेश्वर पुलिस स्टेशन में भी की तोड़फोड़, जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की हुई गिरफ्तारी की मांग। हरिद्वार के बड़े बाजार में करीब 6 दुकानों में अचानक लगी आग, एक दमकलकर्मी झुलसा। सूरत में भजन गायक पर भक्तों ने की नोटों की बारिश, लोगों ने खूब लुटाया पैसा। पीलीभीत में आदमखोर भागने एक शख्स को बनाया शिकार, 4 महीने में 4 ग्रामीणों को लील चुका है बाघ। उत्तरकाशी की ऊंचाई वाले इलाकों में जारी है बर्फबारी, यमुनोत्री मार्ग में जमी है 5 फीट मोटी बर्फ की चादर। पटना में मुशायरे में दखल लालू का नया अंदाज, उद्घाटन समारोह में लालू बने शायर। आम लोगों के लिए खुला मुगल गार्डन, 5 फरवरी से 12 मार्च तक गार्डन का कर सकेंगे लोग दीदार। इस बार मुगल गार्डन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी के नाम से लगाया गया गुलाब का पौधा, इस पौधे से मजेंटा रंग के गुलाब खिलेंगे। सात देशों के मुसलमानों को अमेरिका में बैन के फैसले को यूएस अदालत ने पलटा, फैसले पर ट्रंप ने जताई नाराजगी। मैक्सिको में ज्वालामुखी के फटने की तस्वीरें आई सामने, तेज आवाज के साथ आसमान में छाया धुएं का गुबार। कोलकाता में दिव्यांगों की कार रैली, हुनर का परिचय दिया। जयपुर मैराथन में जमकर दौड़ी पिंक सिटी, अभिनेत्री कंगना रनौत ने दिखाई हरी झंडी। मैराथन में दिखा कंगना के लिए क्रेज, कंगना ने विंटेज कार में की थी एंट्री। तो ये थी देश और दुनिया की हर अहम खबर फटाफट अंदाज में, खटाखट खबरों में। फिलहाल के लिए बस इतना ही।